Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Today in this video we are going to start the poem that is E-E-I-O-U. सबसे पहले हमें ये पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए टू जेड में फाइव वोवल्स होते हैं. वो फाइव वोवल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये सभी वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के. और बाकी सभी अल्फ़ाबेट्स इन पांच को छोड़कर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. ये सारी पोइम सिर्फ वोवल्स पर ही आधारित है. सो लेट अस स्टार्ट. We are very little creatures, all of different voice and features. One of us in glass is set, one of us you will find in jade. The other you may see in tin, and the fourth a box within. If the fifth you should pursue, it can never fly from you. जो ये वोवल्स हैं यू ए ई आई ओ यू, वो हमें कह रहे हैं कि हम बहुत छोटे जीव हैं, बहुत छोटे प्राणी हैं. All of different voice and features. हम सबकी अलग अलग आवाज़ है और हम सब दिखते भी अलग अलग हैं. वी नो, जैसे हम इन्हें बोले ए ई आई ओ यू, ये सब अलग अलग साउंड करते हैं ना, अलग अलग इनके वॉज है, दिखते भी अलग अलग है. ए किसी और तरीके से दिखता है, ई की शेप कोई और है, ये दिखने में भी सभी अलग हैं. वन ऑफ अस इन ग्लास इज सेट, हम में से एक ग्लास वर्ड के अंदर है. यू नो, हम देख सकते हैं कि ए, देखिए ग्लास, इसमें ए वोवल है ना, यानी कि हमारा फर्स्ट वोवल ए ग्लास वर्ड के अंदर है, ग्लास वर्ड के अंदर सेट है. वन ऑफ अस यू विल फाइंड इन जेट, हम में से एक आपको वर्ड जेट में मिलेगा. जेट वर्ड में हमें कौन सा वोवल मिल रहा है? हमारा सेकंड वोवल जो कि है ई, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड भी किया हुआ है, यानी कि थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, हमें दिख रहा है ना हमारा सेकंड वोवल. द अदर यू मे सी इन, और हम में से एक आपको टिन वर्ड में मिलेगा. हमें कौन सा वोवल टिन वर्ड में मिल रहा है? हमारा थर्ड वोवल, वो है आई. देखिए दिख रहा है ना हमें आई, टी आई एन आई है ना वोवल, वो हमें कौन से वर्ड में मिल रहा है? टिन में. एंड द फोर्थ ए बॉक्स विद इन, और जो चौथा वोवल यानी कि फोर्थ वोवल है, वो हमें बॉक्स वर्ड के अंदर मिलेगा. कौन फोर्थ वोवल के हमारा? ओ. और वो कहाँ पर है? ये देखो बॉक्स ओ में हमें मिल गया ना. इफ द फिफ्थ यू वुड परस्यू, इट कैन नेवर फ्लाई फ्रॉम यू. अगर आप फिफ्थ नंबर वाले वोवल को फॉलो करेंगे तो वो आपसे कभी भी दूर नहीं जा पाएगा. अब हमारा फिफ्थ वोवल कौन सा? यू. यू दो बार आ रहा है ना, परस्यू यू एंड यू. तो वो कह रहे हैं कि वोवल्स हमसे कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे. अगर आपने ध्यान से देखो तो इस सारी पॉइंट में हर एक वर्ड में कोई ना कोई वोवल है. जैसे कि देखो वी, ई क्या हमारा वोवल, आर ए आर ई, ए भी वोवल और ई भी वोवल है. वेरी के बाद ई वोवल है. लिटिल में आई और ई दोनों वोवल है. क्रिएचर्स में ई ए यू ई, देखिए यहाँ पर भी वोवल है. ऑल में ए वोवल है, ऑफ में ओ वोवल है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पोइम में आपको कोई ना कोई वोवल दिखाई देगा. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सारी पोइम वोवल्स पर ही आधारित है. आई होप सो आपको आज की पोइम अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आई हो. अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ. तब तक बाय, थैंक यू.